बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम एंटी टेस्ट की आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। एंटी टेस्ट जो अब तक हो चुका है वो हम आपको बताएंगे कि अब तक कितने बच्चों ने नंबर लिए हैं और टॉप कितना है, कितने बच्चे हैं जो अब तक चांसेस हैं उनके कि उनका मेरिट बन जाएगा। इसके बाद हम आपको टोटल बच्चों के बताएंगे जो 150 से ऊपर ऊपर कितने हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। और उनमें से कितने बच्चे हैं जिनका 100% अब तक के रिजल्ट के मुताबिक जो MBBS है उसमें एडमिशन हो रहा है। लेकिन ये जान लीजिएगा, जो हम आपके सामने इंफॉर्मेशन रखने लगे हैं ये आज से 2 या 3 दिन पहले की है, ये आज की खबर नहीं है। आज से 2 या 3 दिन पहले तक जो टेस्ट हो चुके हैं उनकी खबर होगी, और इसके बाद जो 2 या 3 दिन गुजर चुके हैं उनके इसमें जो डाटा होगा वो इसमें नहीं होगा, वो इससे अलहदा है। वो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। ये कंफर्मेशन हो चुकी है, अब तक जो बच्चों ने पेपर दिए हैं उनके नंबर हैं ये जो हम आपको बताने लगे हैं, और आप हैरान हो जाएंगे। आपके लिए भी ये अचंभे की बात होगी कि आज अब इस साल जो टेस्ट हुआ है उसमें इतने कम मार्क्स और जो टॉपर बच्चे हैं वो भी फेल हो रहे हैं, ये आपको पता ही है। और आपको ये भी पता होगा कि PMDC ने कह दिया है कि ना तो दोबारा टेस्ट होगा और ना ही हम कोई इसके जुम्मेदार हैं। जो भी बच्चे शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो हड़ताल करें चाहे कुछ करें, इसमें हमारी कोई जुम्मेदारी नहीं बनती कि उनका टेस्ट सही नहीं हुआ, तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। इसमें हमारी कोई भी, बच्चों के लिए परेशानी तो ज़रूर है लेकिन इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। और ये आप सब जानते हैं कि वो अपनी गलती क्यों मानेंगे, वो हो या ना हो इसका हमें तो नहीं पता है। बहरहाल अब हम जो आपको रिज़ल्ट बताने लगे हैं, ये एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि ये 3 दिन पहले का रिज़ल्ट है। अब उसके बाद जितने बच्चे आए हैं या 3 दिन से जितने टेस्ट हो चुके हैं उनके इसमें रिज़ल्ट शामिल नहीं है। हो सकता है उनके इससे ज़्यादा या टोटल जो हम आपको बताएंगे उसमें वो ऐड करें तो ज़्यादा बन जाए। हम आपको जो बताने लगे हैं वो 2 या 3 दिन से पहले का है। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आपके हाथ में दोबारा कोई रिज़ल्ट आए, आप कहीं पे देखें सुने तो उसमें 2 से 3 दिन पुराना रिज़ल्ट ये है, और जो आप अब देखें उसमें हो सकता है वो आज का आप देख लें, कल का देख लें, तो इसलिए उसमें कोई कंफर्मेशन हमारी नहीं है। हम 2 या 3 दिन से पहले के आपको इंफॉर्मेशन देने लगे हैं। तो आप सुन लें कि अब तक जो रिज़ल्ट आ चुके हैं, यानी कि 2 से 3 दिन पहले तक जो रिज़ल्ट आ चुके हैं उसमें 150 से अबव जो बच्चे हैं वो 4700 बच्चा है। 4700 बच्चे ने अब तक 150 से ऊपर स्कोर किए हैं, और टोटल सीट्स आपको पता है कि 3500 है, और 3500 में 4700 बच्चा ऐसा है जो 150 से ऊपर जा चुका है। अब आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा किन बच्चों का जो इस दफ़ा मेरिट बनेगा। और इसके अलावा अब जो बाकी दिन बचे हैं उनमें भी टेस्ट होने हैं, उनमें भी आगे बच्चे निकल सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे जो अहम बात है, अब तक का जो टॉप है वो हम आपके सामने रखने लगे हैं स्टैटिस्टिकल रिज़ल्ट, उसमें अभी तक जो है 180 मार्क्स आए हैं। 180 से जो मार्क्स ज़्यादा हैं उनकी अभी कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट में अफवाह तो फैली हुई है 189 की, 193 की भी, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं है। और अभी तक जो कंफर्मेशन है वो 180 की है, और 180 का जो अभी तक टॉप है ये आपके सामने लिस्ट है, इसको आप देख भी सकते हैं। सहला वकास जो है, सहला वकास और उसके 180 हैं, फिर मोमना आसिफ है उसके भी 180 हैं, मनाहिल खां 179 हैं, इसी तरह प्रियंका है उसके 179 हैं, मोहम्मद उकाशा खां इसके भी 179 हैं, हादिया सईद इमरान 178, मोमना जुबैर 177, हसन रहमान
177, रईस अहमद 177, आमना शाहिद 177, ये वो हैं जिनका इस साल जो है ज़रूर है, हो नहीं सकता बल्कि एडमिशन हो जाएगा। अब 170 तक जो है वो बिल्कुल कंफर्मेशन है, इसके ऊपर वाले भी एक आध नंबर की आगे हेर फेर हो सकती है, लेकिन 180 से जो ऊपर हैं उनकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई ख़बर मिलती भी है तो हो सकता है कंफर्म हो, लेकिन अभी तक उनका ऐसा कहा नहीं जा सकता कि 100% दुरुस्त होगी। लेकिन ये जो आपके सामने हमने रख दिया है ये बिल्कुल ठीक है और इसको आप देख भी सकते हैं और इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस साल मेरिट क्या होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।